हेलो ब्रियन नमस्कार मैं उस राज। चले नए उलवे लोकेशन उलवे नोड में नई मुंबई में आ, यहां पे देखा जाएगा तो मेरे पास नियर बाय पोजीशन वाला है मतलब विद इन सिक्स मंथ में आपको पोजीशन है ओनली टू बी के फ्लैट दिया हुआ है थर्टीन स्टोरेज का मतलब तेरे माले का टावर है यहाँ पे जी प्लस थर्टीन स्टोरेज का टावर दिया है और ए, इसमें यह है कि आपको एक फ्लोर पे दो ही फ्लैट दिए हुए हैं मतलब टू बी के ही है एक फ्रंट साइड में व्यू है और एक बैक साइड व्यू है मतलब दो फ्लैट दिए है पर, पर फ्लोर पे इसमें दो लिफ्ट है दो स्टेयर केज दिए हुए हैं मतलब बहुत अच्छा है कि कि आ, पर फ्लोर पे आपको दो फ्लैट मिल रहा है वो भी टू बी एच के यहाँ पे देखा जाएगा तो अभी ये जो लोकेशन है जो बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन है वहां से वो हार्डली वॉकेबल है ना आपको चार मिनट है चार मिनट में वॉकेबल है एकदम बेस्ट लोकेशन है और एकदम प्राइम लोकेशन है तो मैं आपको पूरा वीडियो बता देता हूँ सैंपल फ्लैट भी बता देता हूँ यहाँ पे और बिल्डिंग का एलिवेशन दिखा देता हूँ एक्चुअली थोड़ा सा बारिश गिर रहा था तो मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाया कभी भी मतलब तो थोड़ा सा धूप आ जाएगा बारिश कम रहेगी या बारिश नहीं रहेगी तो उस टाइम मैं पूरा प्रोपरली वीडियो करके बनाऊंगा उसका तो फिलहाल एक मैं आपको एक नॉर्मल टू बी का फ्लैट दिखा देता हूँ यहाँ पे और जो रोड है वहां का जो स्टेशन कहाँ पे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं तो आप पूरा वीडियो देखिए एंड तक और वीडियो पर लाइक नहीं करो सबसे पहले आप लाइक कर दो शेयर करो सब्सक्राइब करिए सबका जो बैलक है आने वाले नोड सब्सक्राइब कर रोड है फ्रंट साइड में ये रोड है ये स्टेशन की तरफ जाता है उस तरफ बामन डोंगरी और ये भी रोड जाता है स्टेशन की तरफ और ये सामने यहाँ पे बिल्डिंग दिया है देखिए थर्टीन स्टोरेज का बिल्डिंग है पूरा रेडी कंप्लीट हो चुका है नाइन्टी फाइव परसेंट काम हो चुका है तो ऊपर की तरफ चलते हैं ये मैं आपको देखिए स्टेरकेस है दो स्टेरकेस दिया हुआ है और यहाँ पे सामने दो लिफ्ट है यहाँ पे एक फ्लैट है टू बी के और यहाँ पे एक फ्लैट है सिर्फ एक फ्लोर पे दो फ्लैट दिए हुए हैं तो चलिए अभी अब मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ सिंपल फ्लैट ग्यारह सौ पच्चीस का बिल्डअप एरिया है वन थाउजेंड वन बिल्डअप एरिया है ये देखिए आपने एंट्री किया ये लिविंग रूम है यहाँ पे डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है लिविंग रूम विथ सज्जा आ जाता है मतलब सज्जा आएगा वहाँ पे बालकनी नहीं है बट सज्जा आ रहा है आपको दो फुट की सज्जा आ जाता है यहाँ पे ये देखिए ये सज्जा आ गया है यहाँ पे और मैं आपको एक बताता हूँ सामने अभी आपको जूम करके बताता हूँ ध्यान से देखिए थोड़ा जूम करके ये देखिए थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ ये जो शेड लगाया हुआ है ना वो बामन डोंगरी का रेलवे स्टेशन है देखिए शेड लगाया हुआ है यहाँ पे देखिए ये बामन डोंगरी का रेलवे स्टेशन है यहाँ पे लोकल ट्रेन का तो वो आपको मैंने दिखा दिया यहाँ से तो ऊपर के फ्लोर पे जाएगा तो आपको पूरा दिखेगा लोकल ट्रेन का ये पूरा लिविंग रूम है लिविंग रूम विथ डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे और इस तरफ आता है ये आपका मास्टर बेडरूम आ गया फर्स्ट बेडरूम का मास्टर बेडरूम दिया है इसको भी सज्जा दिया हुआ है यहाँ पे ये देखिए ये पूरा नाम मास्टर बेडरूम दिया हुआ है यहाँ पे इसके अंदर आपको डब्ल्यू सी कॉमन आ जाता है मास्टर बेडरूम के अंदर ये देखिए ये देखिए ये आपका सज्जा आ गया है यहाँ पर और ये पूरा बेडरूम आ गया है यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली जूम हो गया है फ़ोन में मे भी थोड़ा सा ज़रा ध्यान नहीं दिया था तो ये जूम हुआ है तो ये आपका कॉमन बाथरूम आ गया मास्टर बेडरूम को और वहाँ पे सर्विस डक आ जाता है जो वॉशिंग मशीन रख सकते हैं वहाँ पे सर्विस डक आ गया है यहाँ पर ये देखिए ये ये डोर के पीछे आपको शावर भी वहाँ पे है तो ये यहाँ से हम निकलते हैं लिविंग रूम और इस तरफ आते हैं ये आपका किचन आ गया ये देखिए किचन दिया, दिया हुआ है यहाँ पे विथ सज्जा दिया हुआ है यहाँ पे ये देखिए सज्जा में भी वहां पे भी आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो किचन की तरफ रखना रहेगा तो यहाँ पे अभी आपको भी वॉशिंग मशीन आ जाता है यहाँ पे और ये देखिए ये सज्जा आ गया है यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है इसका जो कारपेट आएगा सिक्स सेवेंटी का कारपेट आएगा यूजेबल कारपेट सज्जा पकड़ के यूजेबल कारपेट सिक्स का कारपेट आ जाएगा और ये आपका कॉमन बाथरूम दिया है या यहाँ पे ये देखिए कॉमन बाथरूम है बाहर के साइड में जो डब्ल्यू बाथरूम और सर्विस डक दिया हुआ है यहाँ पे तो बहुत अच्छा स्पेसेस दिया हुआ है फर्स्ट थिंग तो यही बता रहा था कि आपको एक फ्लैर फ्लोर पे दो फ्लैट मिल रहे हैं मतलब ज़्यादा ये नहीं है दो फैमिली रह सकते हैं एक फ्लोर पे तो बहुत अच्छा है और इस तरफ आते हैं ये आपका बेडरूम आ गया ये कॉमन बेडरूम आ गया है यहाँ पर ये कॉमन बेडरूम है इसको भी एक्चुअली मास्टर बेडरूम कर सकते हैं ओसी आने के बाद कर सकते हैं मैं बताऊंगा आप जब भी आएंगे साइड विजिट के लिए उसके लिए मैं आपको आइडिया दूंगा मास्टर बेडरूम कहाँ कर सकते हैं ये भी इसको जो कॉमन बेडरूम दिया है, हुआ है सेकेंड बेडरूम उसके लिए यहाँ पे सज्जा है यहाँ पे और सामने वहाँ पे स्टेशन बामन डोंगरी का स्टेशन आ रहा है मतलब है, एक चार मिनट वॉकेबल आप आ सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ से निकलते हैं मैं आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ यहाँ से कॉमन बेडरूम से बाहर निकले लिविंग रूम और यहाँ पे आपका ये लॉबी एरिया आ गया दो लिफ्ट आपको मैं जो स्टार्टिंग में बताया सामने एक फ्लैट है और यहाँ पे स्टेर दो दिए हुए हैं ये देखिए ध्यान से देखिए बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट तो चलिए मैं आपको आगे के बाद बताते हैं सो so, आपको मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया टू बी का सैंपल फ्लैट भी दिखा दिया यहाँ पे एंड लोकेशन एकदम प्राइम लोकेशन पे है एंड इसका जो अभी प्राइसिंग देखा जाएंगे तो आपको जो है एटी सिक्स लैक्स जाता है प्लस ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी अलग से लगेगा एड है, इसमें पार्किंग का अलग से जो आपका पार्किंग रहेगा यहाँ पे तो ये प्राइसिंग जाता है मोटा मोटी देखा जाएंगे तो एक अप्रोक्स पकड़ लीजिए वो जाएगा आपको ऑल इंक्लूसिव पार्किंग भी पकड़ेंगे तो नाइनटी फाइव से लेके 97 लाख तक के बीच में आ जाता है यहाँ पे ये 2 बी एच के है कैसा है कि प्रीमियम है दो फ्लैट दिए हुए एक फ्लोर पे एंड एकदम बेस्ट लोकेशन पे है स्टेशन नियर बाय है रेलवे स्टेशन नियर बाय है ऑलरेडी आपको तो पता है लोकल ट्रेन चालू है यहाँ पे कनेक्टिविटी इजी है बसेस आते हैं एनएमएंटी बसेस आते हैं यहाँ पे तो बेस्ट लोकेशन है और एकदम प्राइम लोकेशन पे सो आपको इंटरेस्ट रहेगा आपके बजट में बैठ रहा है ये आपके नाइन्टी फाइव लैक्स के ऊपर या नाइन्टी फाइव लैक्स तक बजट है आपका तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए कॉल करिए उलवे लोकेशन एकदम बेस्ट प्राइम लोकेशन पे देखा जाएंगे तो एकदम बेस्ट प्रोजेक्ट है सो तो आप आइए विजिट करिए कॉन्टेक्ट करिए मुझे उलवे लोकेशन पे यही प्रोजेक्ट है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना जो मैं पुष्पकनगर में मेरा जो प्रोजेक्ट चालू हुआ है जो सेवन फ्लोर के वही डेवलपर का है और उन्होंने बोला कि इसमें कुछ फ्लैट बचे हुए हैं कुछ बारह फ्लैट बचे हुए हैं यहाँ पे और बाकी के वो जो सेल करने के लिए मुझे दिए हुए है सो so, आप आइए इसमें कोई भी ब्रोकर ब्रोकरेज नहीं है आपको कोई भी चार्जेस किसी को देना नहीं है मेरा जो रहेगा सब बिल्डर के थ्रू रहेगा जो कुछ आपको पे नहीं करना है यहाँ पे थोड़ा बहुत निगोशिएट कराऊंगा मैं मेरी तरफ से ट्राई करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसका काम हो चुका हुआ है नाइन्टी फाइव परसेंट काम हो चुका हुआ है यहाँ पे तो यही विषय है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो शेयर करो सब्सक्राइब करिए सबका वो जो बैलकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन सब सब्सक्राइब को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नमस्कार टेक केयर बाय